हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सलमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट विड्स। फ्रेंड्स, मोटोरोला ने एक और 10,000 के अंडर बजट वाला स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कर दिया है और आज हम इस फ़ोन का रिव्यू करेंगे और जानेंगे इस फ़ोन के फीचर और प्राइस के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि मेरे चैनल की अपडेट्स आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, मोटोरोला ने अपना नया स्मार्टफोन मोटो E40 8 अक्टूबर को भारत में लॉन्च कर दिया है और इस फ़ोन की परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप चाहें तो वहां से इस फ़ोन को परचेज कर सकते हैं। वैसे फ्रेंड्स, मोटोरोला का ये फ़ोन दो कलर ऑप्शंस के साथ आता है, कार्बन ग्रे एंड पिंक क्ले। और इस फ़ोन को मोटोरोला ने एक ही वेरिएंट के साथ लॉन्च किया है, 4GB रैम प्लस 64GB इंटरनल, जिसकी प्राइस है 9,499। मोटोरोला ने इस फ़ोन को अपनी ई सीरीज के अंडर लॉन्च किया है और जनरली मोटोरोला के ई सीरीज के स्मार्टफोन की कॉस्ट 10,000 के अंदर होती है और इसलिए मोटो E40 की प्राइस हमें 10,000 के अंदर देखने को मिलती है और इसी वजह से मोटो के इस फ़ोन में हमें कोई भी हायर रैम रोम वाला वेरिएंट देखने को नहीं मिलता। वहीं अगर हम बात करें इस फ़ोन के वेट और थिकनेस की, तो इस फ़ोन का वेट है 198 ग्राम और थिकनेस है 9.1 mm। वेट और थिकनेस के बाद अब हम बात करते हैं इस फ़ोन के सार वैल्यू की। फ्रेंड्स, मोटो के इस फ़ोन की सार वैल्यू अंडर लिमिट से हेड के लिए 0.34 वॉट पर kg और बॉडी के लिए 1.35 वॉट पर kg। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इस फ़ोन के डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की। तो मोटो E40 का डिज़ाइन अदर मोटो फोन्स के कंपैरिजन में अलग है। फ़ोन का बैक पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से बना हुआ है और बैक साइड में टेक्सचर्ड लुक देखने को मिलता है। फ़ोन के बैक साइड हमें ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल विद LED फ्लैश मिलता है और साथ में हमें रियर फिंगर सेंसर भी मिलता है विद मोटो ब्रांडिंग। बिल्ड क्वालिटी इस फ़ोन की अच्छी है और फ़ोन को आप इजी टू हैंडल कह सकते हैं, क्योंकि फ़ोन के बैक साइड जो कर्व्ड लाइंस दी गई हैं उसकी वजह से इस फ़ोन को ग्रिप करने में आसानी होती है। वैसे इस फ़ोन के साथ आपको एक सॉफ्ट IPU केस मिलता है, लेकिन इस फ़ोन को आप विदाउट केस भी यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि आजकल ज़्यादातर स्मार्टफोन्स में हमें टेक्सचर्ड बैक मिलता है, पर मोटो E40 का बैक डिज़ाइन थोड़ा अलग है। तो ये तो ही डिज़ाइन की बात, अब हम इस फ़ोन का एक क्विक ओवरव्यू भी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इस फ़ोन की लेफ्ट साइड हमें पावर बटन, वॉल्यूम रॉकर बटन और गूगल असिस्टेंट के लिए अलग से डेडिकेटेड बटन मिलता है। फ़ोन के राइट साइड हमें ट्रिपल स्लॉट वाला सिम कार्ड ट्रे मिलता है। फ़ोन के बॉटम साइड हमें मेन माइक, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर ग्रिल मिलती है और फ़ोन के टॉप साइड हमें ऑडियो जैक मिलता है। वैसे फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो आजकल 10,000 के रेंज वाले स्मार्टफोन्स में हमें माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट मिलती है और मोटो के इस फ़ोन में हमें टाइप सी पोर्ट मिल जाती है, तो मुझे इस फ़ोन की ये बात सबसे अच्छी लगी। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इस फ़ोन के डिस्प्ले की। फ्रेंड्स, मोटो E40 में हमें 6.5 इंच की HD+ IPS LCD मिलती है। ये एक सेंटर पंच होल वाली डिस्प्ले है जिसमें हमें 90Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट मिलता है। डिस्प्ले के अदर फीचर्स में हमें 720x1600 पिक्सल का रेजोल्यूशन, स्क्रीन टू बॉडी रेशो अराउंड 82% और साथ में मिलता है 400 nits का मैक्सिमम ब्राइटनेस लेवल, जो आउटडोर विजिबिलिटी के लिए सफिशेंट है। फ़ोन में हमें IPS LCD पैनल मिलता है, तो कलर्स और विंग एंगल्स वगैरह इस डिस्प्ले में हमें अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन इस डिस्प्ले में मुझे दो चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। पहला तो इस डिस्प्ले में हमें सेंटर पंच होल मिलता है। जनरली इस प्राइस पॉइंट में हमें वी नॉच या वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले पैनल मिलता है, तो इस हिसाब से इस डिस्प्ले में हमें एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। एक और फीचर जो मुझे इस डिस्प्ले में अच्छा लगा वो है 90Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट। अगेन, इस प्राइस पॉइंट में हमें ज़्यादातर फोन्स में 60Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है मोटो E40 के डिस्प्ले का। फ्रेंड्स, मोटो E40 इंडिया का पहला स्मार्टफोन है जिसमें हमें यूनिसॉक T700 चिपसेट मिलता है और ये चिपसेट यूनिसॉक का सबसे लेटेस्ट चिपसेट है। और अगर हम कंपेयर करें तो यूनिसॉक T700 का परफॉर्मेंस लगभग 40% बेहतर है यूनिसॉक के ही प्रीवियस चिपसेट T610 से। T700 चिपसेट में हमें टोटल 8 कोर्स मिलते हैं, जिसमें 6 कोर्स A55 वाले और 2 कोर्स A75 वाले मिलते हैं और साथ में हमें CPU मिलता है जो 1.8 GHz पर क्लॉक्ड है। ये चिपसेट 12 नैनोमीटर पर वर्क करता है और परफॉर्मेंस भी इस चिपसेट का अच्छा है। चिपसेट वाले सेक्शन के बाद अब हम बात करते हैं गेमिंग की। फ्रेंड्स, इस फ़ोन का गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छा है। फ़ोन में आप हैवी गेम्स और ऐप्स यूज़ कर सकते हैं और गेमिंग ग्राफिक्स के लिए इस फ़ोन में हमें माली G52 MP2 का सपोर्ट मिलता है। यूनिसॉक का ये नया और अपग्रेडेड चिपसेट है और लॉन्ग गेमिंग सेशंस में भी ये चिपसेट ज़्यादा हीट नहीं करता। वहीं अगर हम बात करें एंटीटू स्कोर की, तो मोटो के इस फ़ोन में हमें 200,000 से ऊपर का एंटीटू स्कोर मिलता है, जो इस चिपसेट के अकॉर्डिंग एक अच्छा स्कोर है। वैसे फ्रेंड्स, इस फ़ोन में हमें 5000mAh की बैटरी और एक 10W का चार्जिंग अडाप्टर मिलता है। 10W का चार्जिंग अडाप्टर इतना फास्ट तो नहीं है, लेकिन प्राइस रेंज के हिसाब से ठीक है।
सॉफ्टवेयर वाले सेगमेंट में भी ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है। फ़ोन में हमें स्टॉक एंड्रॉयड मिलता है जो काफ़ी स्मूथ वर्क करता है। इस सॉफ्टवेयर में हमें कोई भी एड्स या ब्लॉटवेयर वगैरह देखने को नहीं मिलते। फ़ोन में आपको एक क्लीन यूआई मिलता है और मोटोरोला की तरफ से इस फ़ोन में हमें 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी मिलेंगे। सेंसर की बात करें तो मोटो E40 में हमें सभी सेंसर मिल जाते हैं, पर रेयर फिंगर सेंसर इस फ़ोन का एक एक्स्ट्रा फीचर है जो हमें जनरली इस प्राइस टैग वाले स्मार्टफोन्स में देखने को नहीं मिलता। स्टोरेज ऑप्शंस में भी हमें इस फ़ोन में एक चेंज देखने को मिलता है। यहाँ पर इस फ़ोन में हमें EMMC की जगह EMCP का स्टोरेज और LPDDR4X रैम मिलती है। EMCP का स्टोरेज स्लाइडली बेटर होता है EMCC के कंपेरिजन में और इसकी वर्किंग भी फास्ट होती है। EMCP स्टोरेज में हमें मल्टीटास्किंग और एप्स की लोडिंग स्पीड वगैरह अच्छी देखने को मिलती है। मोटो E40 के कनेक्टिविटी ऑप्शंस में हमें डुअल 4G वोल्टी, वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0 और सिंगल बैंड वाईफाई का सपोर्ट मिलता है। फाइनली कैमरे की बात करें तो सरप्राइजिंगली इस फ़ोन का कैमरा सेटअप काफ़ी अच्छा है। मोटो E40 में हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है जिसमें प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है। फ्रंट कैमरे में हमें 8 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है। 48 मेगापिक्सल वाले रियर कैमरे में हमें f1.79 का अपर्चर मिलता है और वीडियो रिकॉर्डिंग में हमें फ्रंट और रियर दोनों साइड 30 FPS पर वीडियो शूट करने का ऑप्शन मिल जाता है। कैमरे में आपको HDR, EIS, नाइट विजन जैसे सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं और इस फ़ोन का कैमरा कोर टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है जो आपको अच्छी इमेज क्वालिटी देता है। फ्रेंड्स, ओवरऑल बात करें तो मोटो E40 10,000 के बजट के अकॉर्डिंग एक अच्छा स्मार्टफोन है और इस फ़ोन के 3 मेन हाईलाइट्स हैं जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। सबसे पहले तो इस फ़ोन का चिपसेट जो एक नया चिपसेट है। दूसरा है इस फ़ोन का डिस्प्ले जो एक सेंटर पंच होल वाला डिस्प्ले पैनल है और इस बजट में रेयरली देखने को मिलता है। तीसरा हाईलाइट है इस फ़ोन का 48 मेगापिक्सल वाला रियर कैमरा जो इस प्राइस पॉइंट में कम ही देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।